प्यारे बच्चों, टेडी बियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी का समय हो चला है और आज की कहानी है चींटी और कबूतर। तो चलिए बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। अब नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वहां से वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। अब उसने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने के लिए आया। अब कबूतर तो पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया था और तब जल्दी से जाकर उसने उसके हाथ पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। बच्चों, हमें क्या शिक्षा मिली? कर भला हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा।